हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज आपके लिए हम एक और प्रॉपर्टी ले आए हैं जो कि हमारी सुशांत लोक 1A ब्लॉक में है। 300 गज में ये प्रॉपर्टी है, वेस्ट फेसिंग है और इसमें जो है हमारे ऊपर के दोनों फ्लोर्स अवेलेबल हैं, हमारा टॉप और टॉप से नीचे वाला। और काफ़ी शानदार प्रॉपर्टी है। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिन्हें ऐसी प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत है उनके साथ हमारी वीडियो शेयर कीजिए। तो चलिए आज की प्रॉपर्टी अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारी बिल्डिंग की जो है फ्रंट प्रोफाइल है, बहुत ही बेहतरीन है। सामने आपको जो है यहाँ पे 12 मीटर की रोड मिल जाती है एंड ये हमारा जो है डेड एंड है आगे। बाकी कुछ ऐसी फिनिश जो है हमें गेट पे मिल जाती है, एकदम यूनिक काइंड ऑफ फिनिश है ये। और आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा जो है यहाँ पे सिक्योरिटी कैमरा सिस्टम है, जो हमारा डोर फोन है उसका कैमरा है ये। बाकी ये देखिए, तो चलिए एंटर करते हैं अब पार्किंग एरिया में। काफ़ी बड़ी पार्किंग मिल जाती है आपको यहाँ पे। बाकी आपको जो है मैं यहाँ का पीछे का एरिया दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे हमारे मीटर आ जाते हैं और इस साइड पे हमारे जो है सर्वेंट रूम्स आ जाते हैं। और ये दिखा देता हूँ पीछे का एरिया, जो हमारे यहाँ पे इस साइड पे गैस सिलेंडर के लिए पॉइंट दिया हुआ है। नीचे हमारी जो है मोटर लगी हुई है और हमारा वाटर टैंक आ जाता है। ये देखिए, पूरा ग्रीन पैच लगा रखा है पीछे। और पीछे से कुछ ऐसी दिखाई देती है हमारी बिल्डिंग। ऊपर हमें यहाँ पे कॉब लाइट मिल जाती है और ये हमारा जो है पूरा लिफ्ट लॉबी एरिया आ जाता है। यहाँ पे सामने लिफ्ट मिल जाती है और इस साइड पे जो है हमें यहाँ पे वेटिंग एरिया के लिए सोफ़ा डला हुआ है। और ऊपर जो है हमें यहाँ पे पैनासोनिक का एसी मिल जाता है, ये देखिए। और इस साइड पे जो है हमारी लिफ्ट आ जाती है, बटन प्रेस कर देते हैं एक सेकेंड। बाकी इस साइड से जो है हमारी स्टेयर्स ऊपर जाती हैं और यहाँ पे आपको ये देखिए लोहे की रेलिंग मिल जाती है इसमें, एक सेकेंड। लिफ्ट हमारी आ चुकी है, शिंडला की लिफ्ट मिल जाती है आपको यहाँ पे। ये देखिए, शिंडला की लिफ्ट मिल जाती है। तो चलिए आपको मैं टॉप से नीचे वाला फ्लोर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा एंट्रेंस पे जो है गेट, इस पे डिज़ाइन मिल जाता है ऐसे और काफ़ी अच्छा सा हैंडल लगा हुआ है। और कुछ ऐसा जो है हमें गेट मिल जाता है यहाँ पे। और बाकी जो मैंने नीचे आपको डोर कैमरा दिखाया था नीचे, ये हमारा डोर फोन लगा हुआ है यहाँ पे।
सिक्योरिटी पर्पस से। सो दिस इज अ होम नाउ। तो चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। हमारा ड्राइंग एरिया आ जाता है। यहाँ पे एक एसी की फिटिंग मिल जाती है, एक एसी की यहाँ पे फिटिंग मिल जाती है आपको। और सामने ये देखिए डिज़ाइन कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। नीचे टोटल पूरे घर में जो है आपको इटालियन मार्बल मिल जाता है फ्लोरिंग में। यहाँ पे जो है हम अपना ड्राइंग एरिया और इस साइड पे डाइनिंग एरिया बना सकते हैं। और ये जो हमारी फ्रंट बालकनी आ जाती है, अब एक सेकेंड, ये देखिए कितनी ज़्यादा ग्रीनरी मिल जाती है इस एरिया में आपको। तो ये था हमारा ड्राइंग एरिया और फ्रंट बालकनी। अब चलिए आपको मैं उस साइड लेके चलता हूँ। हमारा जो है फैमिली लाउंज एरिया और पाउडर रूम दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा फैमिली लाउंज एरिया है और ऊपर आपको एसी की फिटिंग मिल जाती है यहाँ पे। और इस साइड पे हमारा पाउडर रूम आता है, पर ये शेयरिंग बेसिस पे है जो वॉशरूम है। ये हमारा एक बेडरूम से कनेक्टेड है। इस साइड पे हमें ग्लास पार्टीशन के साथ शावर एरिया मिल जाता है। यहाँ पे कूलर की फिटिंग मिल जाती है, यहाँ पे ग्लोसेरा की। और ये देखिए ये वाला जो है बेडरूम, इस बेडरूम से कनेक्टेड है ये। और कुछ ऐसी फिनिश हमें जो है वॉल पे मिल जाती है। सामने हमारी किचन आ जाती है। अब यहाँ पे हमें जो है फ्रिज के लिए स्पेस मिल जाता है इस साइड पे। और यहाँ पे हमें माइक्रोवेव एंड ओटीजी के लिए स्पेस मिल जाता है। और ये थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस जो है मैं किचन में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको डबल बॉल सिंक मिल जाती है, ये देखिए। और कूलर की फिटिंग मिल जाती है इसमें भी। एंड एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पे ये जो है लाइट्स ऑन कर देता हूँ मैं सारी। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्लपूल का हॉब मिल जाता है, वर्लपूल की चिमनी मिल जाती है आपको, दो विंडोज़ मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए। और कुछ ऐसी फिनिश जो हमें वॉल पे मिल जाती है और कुछ ऐसी फिनिश हमें यहाँ पे स्लैब पे मिल जाती है। बाकी ये भी खोल के दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे आपको ग्रास की फिटिंग मिल जाती है सारी। तो ये थी हमारी किचन। अब चलिए मैं आपको जो है हमारा फर्स्ट बेडरूम दिखा देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे नीचे आपको वुडन फ्लोरिंग मिल जाती है, वुडन फिनिश फ्लोरिंग। ऊपर वहाँ पे एसी की फिटिंग की गई है। और सामने ये देखिए बहुत बेहतरीन लग रहा है ये जो वॉल पे डिज़ाइन करवाया हुआ है। कुछ ऐसी फिनिश हमें वॉल पे मिल जाती है। और सामने हमारी वार्डरोब आ जाती है इस साइड पे। यहाँ पे एलईडी लाइट्स फिट है हमारी वार्डरोब के अंदर। एंड इस साइड पे हमारा वॉशरूम आ जाता है। यहाँ पे आपको एलईडी लाइट के साथ पूरा जो है मिरर मिल जाता है। और इस साइड भी एक मिरर मिल जाता है हमें। यहाँ पे आपको कूलर की फिटिंग मिल जाती है, इसकी भी कूलर की फिटिंग है। और नीचे जो हमें स्टोरेज स्पेस मिल जाती है इसमें। एंड कुछ ऐसी फिनिश जो है हमें वॉल पे मिल जाती है, ये देखिए। और इस साइड पे हमें ग्लास पार्टीशन मिल जाता है शावर एरिया के लिए। ऊपर हमें रेन शावर मिल जाता है। तो ये था हमारा वॉशरूम।
अब चलिए आपको मैं पीछे की बालकनी दिखा देता हूँ। यहाँ पे टैप मिल जाती है आपको और ये हमारी जो है रियर बालकनी है। तो चलिए अब आपको जो है मैं सेकंड बेडरूम की तरफ लेके चलता हूँ हमारे। यहाँ पे भी आपको वुडन फ्लोरिंग मिल जाती है, ऊपर जो है हमें एसी की फिटिंग मिल जाती है और सामने वही बालकनी है जो मैंने अभी दिखाई थी और इस साइड पे हमें जो है वॉलपेपर मिल जाता है, वॉल पे कुछ ऐसा। एंड इस साइड पे जो है हमारी वार्डरोब आ जाती है पूरी। काफ़ी स्पेस मिल जाता है हमें इसमें वार्डरोब में। और अब मैं आपको जो है वॉशरूम दिखा देता हूँ इस बेडरूम के साथ जो हमें मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको जो है कूलर की फिटिंग मिल जाती है, देखिए नीचे भी कूलर और बाकी कुछ ऐसी फिनिश हमें इस पे मिल जाती है। यहाँ पे वॉल पे कुछ ऐसी फिनिश आ जाती है एंड इस साइड पे हमारा ग्लास के साथ पार्टीशन आ जाता है शावर एरिया के लिए और बाकी आपने पूरा वॉशरूम देख ही लिया है। तो चलिए अब मैं आपको जो है हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ लेके चलता हूँ। ये थर्ड बेडरूम जो है हम छोटे बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा छोटे साइज़ में है ये इस साइड पे, तो छोटे बच्चों के लिए या फिर स्टडी की तरह यूज़ करना वो कर सकते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे भी आपको इटालियन मिल जाता है और सामने ये देख सकते हैं डिज़ाइन मिल जाता है वॉल पे, ऊपर एसी की फिटिंग आ जाती है और यहाँ पर हमें जो है शाफ्ट मिल जाता है, विंडो दी हुई है वेंटिलेशन के लिए। बाकी आपको ये वॉशरूम मैं दिखा ही चुका हूँ जो हमारा पाउडर रूम मैंने शुरू में दिखाया था कनेक्टेड, और इस साइड पे वार्डरोब आ जाती है अब हमारी। एक सेकेंड रुकिए, अब ये जो है हमारा फोर्थ बेडरूम आ जाता है यहाँ पे। ये देखिए डिज़ाइन मिल जाता है हमें वॉल पे, यहाँ पे एसी की फिटिंग मिल जाती है आपको और ये वाली बालकनी जो है हमारी फ्रंट वाली ये मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। और इस साइड पे हमारा जो है ये देखिए ऊपर पूरे में एलईडी लाइट मिल जाती है फॉल सीलिंग में और ये हमारा वॉशरूम आ जाता है अब। यहाँ पे कुछ ऐसी फिनिश मिल जाती है हमें एंड यहाँ पे कूलर की फिटिंग मिल जाती है, बाकी एलईडी लाइट वाला मिरर मिल जाता है ये देखिए, और बाकी ये देखिए इस वाली वॉल पे कुछ ऐसी फिनिश मिल जाती है हमें और इस वाली वॉल पे ऐसी, एंड इस साइड पे जो है हमारा ये वार्डरोब आ जाती है वॉशरूम के अंदर ही। बाकी जो है इस साइड पे हमारा ग्लास पार्टीशन के साथ शावर एरिया आ जाता है, ऊपर रेन शावर मिल जाता है और रिकॉर्ड का यहाँ पे जो है हमें गीज़र मिल जाता है। तो ये थे हमारे चार बेडरूम मैंने आपको दिखा दिए हैं, चार बेडरूम ड्राइंग डाइनिंग और फैमिली लाउंज एंड किचन। तो चलिए अब जो है मैं आपको टेरेस पे लेके चलता हूँ। थर्ड फ्लोर का जो प्राइस रहेगा वो रहेगा 2.75 एंड टॉप फ्लोर विद टेरेस का जो प्राइस रहेगा वो रहेगा 2.95। और ये देखिए कुछ ऐसी फिनिश जो है हमें टेरेस पे मिल जाती है
बाकी इसमें हमें ऑप्शन मिल सकता है अगर आप कुछ करवाना चाहें तो टेरेस पे, जैसे आप टेरेस गार्डन वगैरह, बाकी सामने आपको यहाँ पे टैप मिल जाती है। एंड सोसाइटीज़ को फेसिंग है ये हमारी जो बिल्डिंग है, और यहाँ पे आपको प्लांटर्स रखने के लिए स्पेस मिल जाता है। ख़त्म करता हूँ। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हम वीडियो के लिए। बाकी जो है आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं तो मैंने नीचे नंबर मेंशन कर दिया है, उस पर कॉल या फिर व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। बाकी नीचे कमेंट सेक्शन में भी आपकी कोई क्वेरीज होती हैं तो ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।